गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.6। इस एक्सरसाइज में कुछ नए तरह के क्वेश्चंस आप करेंगे, थोड़े से बिल्कुल अलग लीनियर इक्वेशन से अलग। इक्वेशंस रिड्यूसिबल इन ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और इन टू वेरिएबल्स। देखिए स्टूडेंट, कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो लीनियर इक्वेशन नहीं होती हैं, बट हम उनको लीनियर इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। अगर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम उनको लीनियर इक्वेशंस में चेंज कर सकते हैं। हमारे पास कुछ खतरनाक इक्वेशंस हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा रहा हूं पहले कि इसमें आप करेंगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है जिसके 8 पार्ट हैं और सभी में आपको जो इक्वेशंस मिलेगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। आपको लगेगा ही नहीं कि ये लीनियर इक्वेशंस हैं, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बट सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी वैल्यूज हमें। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने दो एग्जांपल्स आपके सामने रखे हैं। देखिए, अगर फ्रैक्शनल वैल्यू होती है तो हम एलसीएम ले लेते हैं। पहले भी आपको लीनियर इक्वेशन में बताया था मैंने कि अगर फ्रैक्शनल वैल्यूज है तो आप एलसीएम ले लीजिए पूरी इक्वेशन का। बट यहां पे वेरिएबल, यहां अलग क्या है कि वेरिएबल भी डिनोमिनेटर में है। आप देख लें, ये फ्रैक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोफिशियंट्स है या कोई नंबर है नीचे डिनोमिनेटर में तो कोई दिक्कत नहीं, हम एलसीएम ले सकते हैं। बट इन दीज केसेस हमें क्या करना पड़ेगा, कोफिशियंट्स और वेरिएबल को अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 × 1/2 प्लस इसको लिख सकता हूं मैं 1/3 × 1/1 इज इक्वल टू 2 एंड हियर आई कैन राइट इट एज 1/3 × 1/x प्लस 1/2 × 1/y दैट इज इक्वल टू 13/6। इस तरह की फॉर्म में आपको लिखना है। एज्यूम करेंगे हम, एल्जेब्रा में हमारे पास एक ही ब्रह्मास्त्र है, हथियार है हमारे पास, ऐसा अचूक अस्त्र जो हमारे पास है एज्यूम करना। एज्यूम करेंगे यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है सिर्फ इस 1/x के कारण और इधर ये 1/y के कारण। इसको हम मान सकते हैं लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। अगर स्टूडेंट हम ऐसा करते हैं तो 1/2 × a प्लस 1/3 × b इज इक्वल टू 2 एंड इसको हम ले सकते हैं 1/3 × a प्लस 1/2 × b That is equal to 13.6. So these are now linear equations. Here the variables are a and b. In main variables a और b हो जाएंगे, हम a और b की वैल्यूज निकालेंगे, लास्ट में फिर x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही सेकेंड पार्ट है, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/√2 × √x प्लस 3 × 1/√y इक्वल टू 2। नेक्स्ट को हम लिख सकते हैं 4 × 1/√x माइनस 9 × 1/√y दैट इज इक्वल टू -1। इन दीज केसेस फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इनको हम एज्यूम कर लेंगे। दीज आर सेम वैल्यूज, तो 1/√x लेट 1/√x इज इक्वल टू a एंड 1/√y That is equal to b। ये वैल्यूज पुट कर देंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 एंड हियर 4a प्लस 9 माइनस सॉरी माइनस है यहां पे 9b इज इक्वल टू -1। नाउ दीज आर लीनियर इक्वेशंस इन वेरिएबल a एंड b। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम a और b की वैल्यूज निकाल सकते हैं बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द इक्वेशंस रिड्यूसिबल इन ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नाउ वी स्टार्ट इट्स एक्सरसाइज। नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है और बच्चों को प्रॉब्लम्स काफी आती है इसमें, तो
तो हम इसका फर्स्ट पार्ट के 8 पार्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए पहला पार्ट जो है उसमें हम अब इसको लिखेंगे 1/2 × 1/x + 1/3 × 1/y = 2। नेक्स्ट को हम लिखेंगे 1/3 × 1/x + 1/2 × 1/y = 13/6। यहां पे हम 1/x को a मान लेते हैं और 1/y को हम b मान लेते हैं। लेट 1/x = a एंड 1/y = b। सो वी राइट इट एज 1/2a + 1/3b = 2 एंड नेक्स्ट इक्वेशन हमारी हो जाएगी 1/3a + 1/2b = 13/6। देखिए स्टूडेंट्स अब एलसी लेना हमारे लिए इजी हो जाएगा, अब हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि डिनोमिनेटर में से हमने वेरिएबल को हटा दिया है। तो एलसीएम इसका आएगा 6 × 2 = 3 + 3 × 2 = 6 × 12। नेक्स्ट इसका एलसीएम लेंगे 6 × 3 = 2 × 3 = 13। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गई अभी, इट इज द इक्वेशन 1 एंड सेकंड इज 2a + 3b = 13। सबसे ज्यादा यूज होने वाला हमारा है एलिमिनेशन मेथड। अभी हम एलिमिनेट करेंगे a को और a को एलिमिनेट करने के लिए हम के कोफिशिएंट्स को बराबर करेंगे। सो इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ हमारे पास आ जाएगा 2 से करोगे तो 6a + 2 × 4b = 24। नाउ इट इज इक्वेशन नंबर 3 एंड 3 से मल्टीप्लाई करिए 6a + 9b = 39, इट इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ स्टूडेंट्स द कोफिशिएंट्स ऑफ a आर इक्वल और साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 4। तीन में से 4 को माइनस करके साइन चेंज कर दीजिए, बस कैंसिल हो गया हमारा, यहां बचेगा -5b = -5 9 से 4 5 और 3 में से 2 1। सो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब इसको b की वैल्यू हम यहां से निकाल देंगे, b = हमारा जाएगा 15/5। सो b = 3। हमने यहां से b की वैल्यू निकाली है, अब हम a की वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 में या 2 में, और b = 3 इन इक्वेशन 1 1 में पुट करेंगे हम, इट इज 3a + 2b, बी की जगह 3 रख दीजिए, = 12। नाउ 3a + 6 = 12 एंड 3a = 12 - 6। सो वी गेट 3a = 6 एंड a = 6/3। सो a = 2 एंड b = 3। स्टूडेंट्स हमारे पास a और b की वैल्यूज आ गई हैं, बट हमें a और b की वैल्यूज नहीं निकालनी, हमें यहां से x और y की वैल्यू चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि हमने a की वैल्यू किसको माना था, 1/x को a के बराबर रखा था और 1/y को हमने b के बराबर रखा था, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। देयरफॉर 1/x = 2, हमने 1/x a के बराबर दिया था तो a की वैल्यू हमारे पास आई है 2, तो हम उसको 2 के बराबर रख देंगे एंड 1/y को हम b के बराबर रखा तो b की वैल्यू बन गई 3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x = 1 इधर 3y = 1 एंड x = 1/2 एंड y = 1/3। सो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड y = 1/3। सो फ्रेंड्स दीज आर द सॉल्यूशंस। नाउ वी स्टार्ट एट सेकंड पार्ट।
Now we start. That's the second part, and we can write as 2 into 1 upon root x plus 3 into 1 upon root y is equal to 2. And next, 4 into 1 upon root x minus 9 into 1 upon root y, that is equal to 1. So, friends, हमारे पास ये दो equations हैं और यहाँ पे हमने इसको assume करना है क्योंकि इसके कारण ही हमें problem आ रही है. So, 1 upon root x और 1 upon root y. इसको मान लेते हैं that 1 upon root x is equal to a and 1 upon root y that is equal to b. तो यहाँ पे हमारी equation आ जाएगी 2a plus 3b is equal to 2. ये equation 1 हो गई हमारी. And the second is 4a minus 9b is equal to 1. This one is equation 2. So friends, हम b को eliminate करना चाहते हैं यहाँ पे. तो b का coefficient यहाँ 3 है, यहाँ 9 है. इसका मतलब equation 1 को 3 से multiply कर दीजिए. It is multiplied by 3 and it is multiplied by 1. इसको 3 से multiply करेंगे 6a plus 9b is equal to 3 to the 6, it is equation number 3. And इसको 1 से करेंगे तो as it is, that is 4. अब हम देख रहे हैं कि दोनों के साइन डिफरेंट है, तो हमें एड करना पड़ेगा एडिंग 3 एंड इक्वेशन 4. 3 और 4 को एड करेंगे हम, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 10a is equal to 7 and a is equal to 7 upon 10. तो स्टूडेंट्स सॉरी इट इज माइनस 1 है, देखिए यहां पे माइनस 1 था, सॉरी राइट हियर माइनस 1, सो इट इज इक्वल टू 5 एंड 5 अपॉन 10. काट लीजिए इसको, a की वैल्यू 1.2 आ गई है. अब पुट कर दीजिए a की वैल्यू, पुट a इज इक्वल टू 1.2 इन इक्वेशन 1. 2 into 1 upon 2 plus 3b is equal to 2. 2 से 2 काट दीजिए, तो 1 को इधर लेके जाएंगे हम, 3b is equal to 2 minus 1 and b is equal to 1 upon 3. ये b की वैल्यू आ गई हमारे पास, लेकिन स्टूडेंट्स हमें b की नहीं निकालनी है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है. तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहां पे हमने किसको माना था, a के बराबर 1 upon root x को. तो a की वैल्यू हमारे पास a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, पुट b इज इक्वल टू 1 बाई 3 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में रखिए, तो यहां से b की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, 1 में रखेंगे 2a प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 2. 3 से 3 कट गया, अब 2a इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. यहां से स्टूडेंट्स हमारे पास a और b की वैल्यूज आ गई हैं, और हमने a और b किसको लिया था उसी में वैल्यू पुट कर देंगे हम. 1 अपॉन रूट एक्स को हमने a के बराबर लिया था, देयरफॉर 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू a की वैल्यू आई 1 बाई 2 एंड 1 अपॉन रूट वाई को हमने लिया है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. b की वैल्यू 1 अपॉन 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंडर रूट एक्स बराबर 2 एंड अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 3. हमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे हम की नाउ स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयरिंग बोथ साइड दोनों तरफ स्केयर कर दीजिए. इधर हमारा आ जाएगा रूट एक्स का स्केयर इक्वल टू 2 का स्केयर एंड अंडर रूट वाई का स्केयर इक्वल टू 3 का स्केयर. फिर से रूट कट जाएगा हमारा इधर. नाउ एक्स इज इक्वल टू 4 एंड वाई इज इक्वल टू 3. सो दीज आर द सॉल्यूशंस, एक्स इज इक्वल टू 4 एंड वाई इज इक्वल टू 3. ये हमारे सॉल्यूशन होंगे, तो सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन सेकंड पार्ट के लिए. एंड नाउ वी स्टार्ट इट्स सेकंड थर्ड पार्ट हियर. अभी थर्ड पार्ट शुरू करते हैं इसका.
Now students, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 इनटू 1 अपॉन x प्लस 3y, इसको एज इट इज रहने दें, इक्वल टू 14, और इसको हम लिखेंगे 3 इनटू 1 अपॉन x माइनस 4y इक्वल टू 23। यहां पे सिर्फ स्टूडेंट एक ही वैल्यू आपको माननी है हम x, क्योंकि फ्रैक्शन में देखिए वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है बस हमारे लिए। हम सिर्फ 1 अपॉन x को मान लेते हैं, लेट 1 अपॉन x इक्वल टू 8, सो वी कैन राइट इट एज 4a प्लस 3y इक्वल टू 14, इट इज इक्वेशन 1, एंड इसको हम लिख लेंगे 3a माइनस 4y इक्वल टू 23। फ्रेंड्स हमें इनके कोफिशिएंट्स बराबर कर रहे हैं, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसको 4 से, चाहे इसको 4 से कर दीजिए, इसको हम 3 से कर देते हैं। y को हम इलिमिनेट करना चाहते हैं अगर, तो 4 से करके क्या आ जाएगा, इसको 3 से करके क्या आ जाएगा, तो 4 जा 16a प्लस 12y इज इक्वल टू, इक्वेशन 3 आ गई हमारी, एंड नाउ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9a माइनस 4 12y 69, इट इज इक्वेशन 4। नाउ सब्सट्रैक्ट, एडिंग करेंगे हम, क्योंकि दोनों के साइन डिफरेंट है, कैंसिल हो जाएंगे एड करने के बाद, एडिंग 3 and 4 एड करेंगे कैंसिल हो गया हमारा, एंड इधर हमारा आ जाएगा दैट इज 25a इज इक्वल टू 15 एंड 11 12, सो इट इज a इज इक्वल टू 125/25, सो a इज इक्वल टू हमारी a की वैल्यू 5 आ गई है। अब हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं डायरेक्ट, सो पुट a इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए, ये 1 हमारी है, तो 4 इंटू 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 14, नाउ 5 4 20 प्लस 3y इज इक्वल टू 14 एंड 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 20, सो 3y इज इक्वल टू माइनस 6 एंड y इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 3, सो y इज इक्वल टू माइनस 2। सो स्टूडेंट y की वैल्यू तो हमारे पास डायरेक्ट आ गई है, अब a हमने किसको माना था, हमने a माना था 1 अपॉन x को, देयरफॉर 1 अपॉन x इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने क्या रखी थी 5, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 5x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, x की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो y की वैल्यू हमारी माइनस 2 आ गई है, सो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी सॉल्व फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सो स्टूडेंट्स राइट इट एज 5 इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 एंड इसको हम लिखेंगे 1 इंटू 1 अपॉन y माइनस 2 एंड ये 2 एडिटिव आ जाएगा और इसको हम लिखेंगे 6 इंटू 1 अपॉन x माइनस 1। देखिए कोफिशिएंट के कारण प्रॉब्लम नहीं आती है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो वेरिएबल अगर हम डिनोमिनेटर में ले रहे हैं उसके कारण आ रही है, तो हम कोफिशिएंट को अलग कर देते हैं और ये इधर वेरिएबल जो है इसको अलग कर देते हैं। नाउ वी राइट 3 एज 3, तो यही रहेगा, इसको 1 अपॉन में 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। सो फ्रेंड्स यहां से क्लियर हो गया हमने किसकी वैल्यू a माननी है, ये b हो जाएगा, लेट 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू b, सो राइट इट एज 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, दिस कम इज इक्वेशन 1 एंड नेक्स्ट इज 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। नो स्टूडेंट हम b को इलिमिनेट करना चाहते हैं, तो इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इक्वेशन 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 3 टू 6, नेक्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 4। नो सब ऐड कर दीजिए, एड 3 एंड 4
दोनों को ऐड करेंगे हम, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 21a = 7 एंड a = 7 अपॉन 21, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.3। अब ये पुट कर लेते हैं हम, हमें b की वैल्यू निकालनी है। अब पुट a = 1.3 इन इक्वेशन 1, 1 दे रखी, सो 5 × 1.3 प्लस b = 2। नाउ b = 2 − 5.3, एलसीएम लेंगे इसका, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 + 6 − 5, सो b की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट आ गई यहां से 1.3। लेट मी चेक अगेन, पेयर 7 3 सो 5 × a दैट इज 1.3, सो 5/3 हो गया, प्लस b = 2 एंड 3 + 6 − 5 = 1.3। वेरी इंटरेस्टिंग, द वैल्यूज ऑफ a एंड b आर इक्वल। नाउ पुट दीज वैल्यूज, देयरफॉर हमने a की वैल्यू यहां पुट कर दी है, सो 1/(x − 1) = a, a की जगह हम रखेंगे 1/3 एंड नेक्स्ट b की वैल्यू 1/(y − 2) = 1/3, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां से फिर से, सो x − 1 = 3 एंड y − 2 = 3। नाउ x = 4 एंड y = 5, सो स्टूडेंट्स इधर लेके जाएंगे हम, प्लस का हो गए एंड इसको भी इधर लेके गए हम, तो प्लस हो गया, देयरफॉर सॉल्यूशन हमारे आ गए x = 4 and y = 5, सो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ फोर्थ पार्ट। नाउ वी स्टार्ट फिफ्थ पार्ट, हियर 7x − 2y / x = 5 एंड 8x + 7y / x = 15। सो फ्रेंड्स यहां पे एक्स वाई दोनों का डिनोमिनेटर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट एज 7x / xy। देखिए डिनोमिनेटर एलसीएम है, दोनों का एलसीएम है, ये इसका मतलब जो एलसीएम है इसका हिस्सा दोनों में है, तो दोनों में डिवाइड कर दीजिए, हम इनको अलग अलग बांट देते हैं, इसको = 5 और नेक्स्ट को भी ऐसे 8x / xy = 7y / xy = 15। नाउ फ्रेंड्स x से x काट दीजिए, y से y कट गया इधर, x से x काट दीजिए, y से y काट दीजिए। नाउ अभी फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हो गया आपका, वी कैन राइट इट एज 7 × 1/y, 2 × 1/x = 5, 8 × 1/y, 7 × 1/x = 15। नाउ इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, सो एज्यूम कर लीजिए इनको, लेट 1/5 = a एंड 1/x = b, तो यहां से वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट 7a − 2b = 5, ये इक्वेशन 1 हो गई है। नाउ इक्वेशन 2 में 8a − + 7b = 15, सो दिस वन इज इक्वेशन 2। नाउ अभी हमें इसको देखिए, यहां इसको 2 से कर देते हैं, इसको 7 से कर देते हैं, ठीक है, b को एलिमिनेट करना चाहते हैं हम, b की कोफिशिएंट बराबर करने हैं, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/7 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2। नाउ मल्टीप्लाई करिए, 7 × 7 = 49 है, −7 × 14b = 35, सो इक्वेशन 3 2 से मल्टीप्लाई करिए, 16a + 7 × 14b = 30, ये आपकी इक्वेशन आ गई है। नाउ एड 3 और 4, एड कर दीजिए इनको, इसको एड करेंगे तो 5 × 5 = 16, 65a = 65। नाउ a = 65/65, a = 1,
तो स्टूडेंट्स हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है, अब हम पुट कर देंगे ए की वैल्यू, पुट ए इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन वन, क्या टू में किसी में रख दीजिए, चलो टू में रख देते हैं, सो टू में वैल्यू रखेंगे एट ए, एट इंटू वन प्लस सेवन बी इज इक्वल टू फिफ्टीन, सो एट उधर ले लीजिए सेवन बी इज इक्वल टू फिफ्टीन माइनस एट बी इज इक्वल टू सेवन अपॉन सेवन, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई वन, ए की वैल्यू भी हमारे पास वन आ गई है और बी की वैल्यू भी हमारे पास वन आ गई है, लेकिन हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने जो एज्यूम किया था कि वन अपॉन वाई को हमने ए के बराबर रखा और वन अपॉन एक्स को हमने बी के बराबर रखा, वापिस वाई वैल्यू से बदल देते हैं, सो वन अपॉन वाई इक्वल टू ए, ए इक्वल टू वन, दीजिए यहां पर वैल्यू वन, एंड वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू वन एंड एक्स इज इक्वल टू वन, दीज आर द सॉल्यूशंस। या आंसर हो गया, नेक्स्ट वी स्टार्ट other part. Now it starts, it's a six part here, these are the two equations and we will change them into linear equations, into variables. So students, यहां problem create हो रही है सिक्स एक्स वाई के कारण, ठीक है, आप इधर कोई दिक्कत नहीं है हमारी, एक्स वाई है, यू कैन सॉल्व इट इजिली, और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, वैसे इसको ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, अगर आप x और y से मान के करना चाहते हैं, सो पहले हम x y इसको खत्म कर रहे हैं, इधर x y से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस बाय x y, नाउ इधर हमारा हो जाएगा 6x अपॉन x y, 3y अपॉन x y, 6xy अपॉन x y, नाउ 2x अपॉन x y, 4y upon xy and 5xy upon xy, ठीक है स्टूडेंट्स, हमें कैंसिल करना है तो कैंसिल हो रहा है, xy से xy कैंसिल हो गया, तो y से y कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, xy से xy को कैंसिल कर दीजिए एंड y से y को, x से x को, नाउ वी कैन राइट इट एज 3 इंटू वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6, एंड हियर we can write it as 2 into 1 upon y and 4 into 1 upon x is equal to 5. Now, it is same as question number 1. So, you can solve yourself easily. So, try this yourself. I think you can do it yourself. Now, next part. Now, seventh part of this question number 1, now we write it as 10 into 1 upon x plus y plus 2 into 1 upon x minus y is equal to 4, and next 15 into 1 upon x plus y minus 5 into 1 upon x minus y is equal to minus 2. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप सोल्व करेंगे, अब इसमें देखिए आप हमें इसकी वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी, सो लीनियर इक्वेशन बनाना चाहते हैं हम, इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन, रिड्यूस करेंगे हम इसको, लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे हम इसको, सो इसको हम एक्स मान लेते हैं, लेट वन अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए एंड वन अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी, हो जाएगा हमारा 10a प्लस 2b इक्वल टू 4, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 15a एंड इट इज माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 2, सो सॉल्व दीज टू इक्वेशंस एंड वी एलिमिनेट हियर b, b को एलिमिनेट कर देते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 2 से, यहां भी 10 आ जाएगा, यहां भी 10 आ जाएगा, तो 5 से करेंगे सभी को,
50a plus 5 to the 10b is equal to 5 to the 20. So it is equation number 3. And now we multiply equation 2 by 2. 50 to the 30a can be minus 4. That is 4. Abhi adding to the same hai, coefficient but signs are different. So adding 3 and 4. दोनों को ऐड कर दीजिए, कैंसिल हो गया हमारा 50 और 30 80a दैट इज इक्वल टू 16. नाउ सॉल्व दिस फॉर a 16 अपॉन 80, सो a इज इक्वल टू 1/5. यहां पे हमने a की वैल्यू निकाल दी है स्टूडेंट्स, अब भी हमें b की वैल्यू निकालनी है, सो पुट कर दीजिए इसको इन इक्वेशन नंबर 1. परमिट कर दीजिए सर, 10 इंटू 1/5 प्लस 2b इज इक्वल टू 4. 5 से इसको काट दीजिए. नाउ वी राइट इट एज 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इधर आगे माइनस हो जाएगा एंड 2b इज इक्वल टू 2, सो b इज इक्वल टू 1. b की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है, बट हमें ए और बी की वैल्यूज नहीं निकालनी, हमें इसको रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशन में और एक्स और वाई के लिए इसको सॉल्व करना है. तो हमें एक्स और वाई की वैल्यूज बतानी है, तो हम पुट कर देंगे यहां पे और एक वैल्यू यहां पे पुट कर दिए. देयरफॉर वी राइट इट एज 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास है दैट इज 1/5 एंड बी की वैल्यू हमारे पास है, बी हमने माना था 1/x माइनस 5 को, बी की वैल्यू 1 है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको. बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉल्व दिस, x प्लस 5 इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन 4 और इट इज 5. चार इक्वेशन हम ले चुके हैं 4 तक, हम इसको 5 दे रहे हैं. नेक्स्ट x माइनस 5 इसको अकाउंट में 1 लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 1. इट इज इक्वेशन नंबर 6. हमें x y के लिए सॉल्व करना है, सो एडिंग ऑलरेडी कोएफिशिएंट्स बराबर है, एडिंग 5 एंड 6 कैंसिल हो गया, सो 2x इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू 3. x की वैल्यू पुट कर दीजिए हम, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 5 और 6 में x है, उधर का हमारा काम खत्म हो चुका है. ठीक है, हमें x y की ये सॉल्व करना है इसको, तो यहां पे पुट कर दीजिए 5 में, कर दीजिए 5 में पुट करेंगे तो हमारा x इक्वल टू 3 प्लस y इक्वल टू 5 एंड इसको इधर ले लेंगे, सो y इक्वल टू 5 माइनस 3 देयरफॉर y इक्वल टू 2. सो दीज आर द सॉल्यूशंस फॉर द क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशंस. देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2, दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ पार्ट 7. नाउ लास्ट पार्ट, नाउ वी स्टार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, लास्ट पार्ट फ्रेंड्स. नाउ वी राइट इट एज, इसमें तो देखिए आप इसको ही ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं, इसमें कोई कोफिशियंट नहीं है, बट इसको हम अलग अलग कर सकते हैं. सो इसको लिखेंगे हम 1 इंटू 1/3x प्लस y प्लस 1 इंटू 1/3x माइनस y, इट इज इक्वल टू 3/4 एंड इट इज 1/2 इंटू 1/3x प्लस 2 माइनस 1/2 इंटू 1/3x माइनस 2. सो फ्रेंड्स यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ गई है 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई, 3x प्लस 2. इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. सो हियर इट इज 3x प्लस वाई, दैट बी करेक्ट.
So it is kx minus y. Because these was the same. ठीक है, हमें अपने आप पता लग जाता है कि क्वेश्चन कहां गलत हो सकता है. तो देखिए आप इसमें इसको हम a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं. लेट 1 अपॉन 3x प्लस y इज इक्वल टू a, 1 अपॉन 3x माइनस y इज इक्वल टू b. ये हमारा हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 एंड नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू a माइनस 1 अपॉन 2 इंटू b माइनस 1 अपॉन 8. सो एलसीएम ले लीजिए, 4 आएगा यहां पे और यहां पे 8 एलसीएम ले लीजिए. इसके नीचे कुछ नहीं है 1, सो 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3 एंड 2 4 जा 8, 4a माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 1. सो दीज आर द इक्वेशंस इन a एंड b. हियर द वेरिएबल्स आर a एंड b. This is 1, 4a minus 4b is equal to minus 1, so this is 2, here the coefficients are same, adding 3 and 4, add kar lijiye isko, cancel ho gaya, now it is 8, a is equal to 2, and a is equal to 2 upon 8, so 1 upon 4, हमारे पास students a की value आ गई है. अब जो ए की वैल्यू आई है हमें इसको पुट करना है. किस इक्वेशन रखेंगे आप देखिए इसमें. नाउ आई पुट ए इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 1. फॉर में रख लीजिए, हियर इज योर इक्वेशन 1. सो 4 इंटू 1/4 प्लस 4b एंड दैट इज इक्वल टू 3. 4 से 4 काट लीजिए, 4b इज इक्वल टू 3 माइनस 1, b इज इक्वल टू 2/4, b की वैल्यू 1/2 आ गई है. नाउ हियर द वैल्यूज ऑफ a एंड b, वी कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. हमें सॉल्व करना है इसको x और y के लिए. तो हमने किसको एज्यूम किया था वही हम वैल्यू रख देंगे. कि ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है वो इसमें रख देंगे और जो बी की वैल्यू आ गई है वो इसमें हम रख देंगे. देयरफॉर 1 अपॉन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, हियर ए इज 1/4 एंड 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू बी दैट इज 1 अपॉन 2. सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 4 एंड ये हो जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 2. तो दीज आर द इक्वेशंस. इनको आप इक्वेशंस को नाम दीजिए. 4 इक्वेशंस हमारे पास, 2 आया हमारे पास है 3, यानी 1 एंड 4 है, 1 एंड 2. सो वी टेक इट एज 3 एंड इट इज 4. सो एडिंग 3 एंड 4 2 और 4 का ऐड कर देंगे कैंसिल हो गया. 6x इज इक्वल टू 6 एंड 6x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6 अपॉन 6 दैट इज 1. देयरफॉर x इक्वल टू 1. अब हमें y की वैल्यू निकालनी है. स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि y में जो इक्वेशन है वो ये है 3 और 4. इसमें किसी में आप पुट कर सकते हैं वैल्यू. पुट x इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 3 ले लेते हैं, 3 में पुट कर देते हैं. सो 3 इंटू 1 x की जगह पुट किया प्लस y एंड दैट इज इक्वल टू 4. नाउ सॉल्व दिस, 3 प्लस y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3. सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y. देयरफॉर सॉल्यूशंस x इज इक्वल टू 1
and y is equal to 1. So these are the solutions for this equation. I hope आपको कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे और ये प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको स्टूडेंट्स. मैं इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दूंगा आपको, असाइनमेंट इसके साथ कोई अटैच नहीं करूंगा. यू विल सॉल्व ऑल दीज 8 पार्ट्स योरसेल्फ एंड डू द प्रैक्टिस फॉर द सेम. ओके, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे.